गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सामान्य एवं वास्तविक वाक्यों की स्थापना किसके द्वारा होती है? आंसर होगा आगमन सामान्य एवं वास्तविक वाक्यों की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण कार्य संबंध स्थापित करने की विधियां किस नाम से जानी जाती है? आंसर होगा कारण कार्य संबंध स्थापित करने की विधियों को प्रायोगिक विधियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोगिक विधियों को अन्य क्या नाम दिए गए हैं? आंसर होगा प्रायोगिक अनुसंधान की विधियां, आगमनात्मक विधियां, कारण कार्य संबंध निश्चित करने की पद्धति आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोगिक विधियां को किसके नाम से पहचाना जाता है? आंसर होगा प्रायोगिक विधियों को मिल के नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोगिक विधियों की कितनी संख्या है? आंसर होगा प्रायोगिक विधियों की संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय विधि कौन सी विधि है? आंसर होगा अन्वय विधि को निरीक्षण प्रधान विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिरिक्त विधि क्या है? आंसर होगा व्यतिरिक्त विधि घटनाओं के मध्य कारण कार्य संबंध ढूंढने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिरिक्त विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा व्यतिरिक्त विधि को परमाण की विधि के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि कारण के परिणात्मक पहलू पर आधारित है? आंसर होगा सहचारी परिवर्तन विधि कारण के परिणात्मक पहलू पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहचारी परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? आंसर होगा सहचारी परिवर्तन सीधा एवं विपरीत दो प्रकार का होता है। थैंक यू।